ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ? ਬਾਬੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ। इसको ट्रीटमेंट नहीं, इसकी किडनी पे बच्चा बातें करते करते बच्चा डेड हो, बातें कर रहे हैं, कह रहे ब्लड नहीं, ब्लड के लिए 20 आदमी इकट्ठे कर ब्लड चढ़ाने, ब्लड की दो थैलियां दी है, वो ब्लड चढ़ाने, ब्लड को अंदर कह रहे हैं। एसएचओ साहब आ रहे हैं सर, एक घंटा हो गया सर, एसएचओ साहब अभी तक पहुंचे, एसएसपी साहब नहीं पहुंचे, कोई आला अफसर यहाँ पे नहीं पहुंचा है, अभी तक बच्चे की डेथ हो, बातें करते करते बच्चा डेड हो गया। मोहम्मद यूसुफ डीगला से हूँ मैं। ये लड़का जो है एक्चुअली मेरा जो साला है उसका दिमाग था, लेकिन ये ट्राली लेके हाजी बशीर के घर जा रहा था, ट्राली को बैक करते हुए ट्राली नीचे लुढ़की, जब ट्राली लुढ़के ऑन स्पॉट हमने उठाया हॉस्पिटल में डाला, अभी तक हॉस्पिटल में किसी ने एक ग्लूकोज की बोतल तक नहीं, एक टिकट तक नहीं, ये कह रहे 5 पसली इसकी डैमेज होगी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके किडनी फेल हो चुकी, इसके गुड्डे फेल हो चुके। सर डॉक्टरों का काम में दिख रहे हैं, यहाँ पुंछ के आला ऑफिसरान है, डीसी साहब है, एसएसपी साहब है, यहाँ कितने अफसर हैं, किसी अफसर ने आगे देखा भी नहीं, किसी गरीब का बच्चा मर गया, आज गरीब का मरा कल अमीर का मरेगा, परसों किसी और का मरेगा। ये गाड़ियाँ जो चलेंगी, ये गाड़ियाँ लुटती, बंदे मरते हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात है, किसी गरीब का बच्चा मरे, मैं कह रहा आला अफसरान जितने भी डिस्ट्रिक्ट हो, मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं डीसी साहब को दरख्वास्त करता हूँ। बताएं क्या हुआ सर? ये मेरा रिश्तेदार है, मेरी भाजी का लड़का है, मैं ही नहीं था, मैं जब यहाँ मुझे पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में यहाँ पहुंचा और 4 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर ने नहीं देखा कि क्या इसको देखें, एक्सीडेंट में ये मर रहा या क्या हो रहा, 2-3 कंपाउंडर है जिनसे ग्लूकोज नहीं लगा, जाकर 3-4 बार आउट हुआ, उसके बाद कोई इस टाइम तक 4 घंटे में कोई आला ऑफिसर यहाँ नहीं आया, आना चाहिए, देखना चाहिए, अगर आज गरीब का बच्चा मरा कल किसी दूसरे का भी मरेगा, तीसरे का भी मरेगा, सबके एक्सीडेंट होते हैं, देखना चाहिए, आना चाहिए, आला ऑफिसर को ऑपरेशन करवाई दे, बच्चा बातें 4 घंटे बातें करता करता अगर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते, अगर उसका अंदर ब्लीडिंग थी उसको निकालते, हो सकता था बच्चा स्टेबल हो सकता था, अगर बातें माँ माँ कर रहा, वो मेरे को पहचान रहा, दूसरे को सबको पहचान रहा था, बातें कर रहा 4 घंटे और लापरवाही से, ये अगर डेथ हुई तो लापरवाही से। नाम क्या था? जाहिद अहमद। कितनी उम्र होगी? उम्र इसकी हो गई 24 साल। क्या चाहते हैं? क्या उसकी तो डेथ होगी, लेकिन हम ये आला ऑफिसर ये कहते हैं कि चलो इसको कुछ ना कुछ इंसाफ होना चाहिए, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर इतने भी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? यंग मेल जहीर अहमद सनाफ अहमद कबीर, डिंगला का रहने वाला 24 साल का लड़का, यंग लड़का आया हमारे पास अराउंड 1:30 AM, RTA विद ब्लड ट्रॉमा चेस्ट विद हेमोपेरिटोनियम, इसको हमने रेसुसिटेट किया, अल्ट्रासाउंड में इसको पेट में लीवर में चोट लगी हुई थी और सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इन द मीन टाइम रेसुसिटेशन के बाद ही इसका भी शॉक में था और रिवाइव नहीं कर पाए और इसकी तकरीबन 11:30-12 पे इसकी डेथ हुई। नहीं, हमने इसका सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, ब्लड ग्रुपिंग की है, अल्ट्रासाउंड किया है, रेसुसिटेट किया है हमने इसको, और इतनी ज़्यादा चोट थी कि हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते करते जितना टाइम हमारे पास था उतने में अचानक इसकी सांसें बंद हो गई और हम रेसुसिटेट नहीं कर पाए। कहाँ कहाँ चोटें? मैसिव हेमरेज था, इंटरनल ब्लीडिंग थी, लिवर में इंजरी थी, चेस्ट में 4 फ्रैक्चर्स थे और काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, रेसुसिटेट करते करते बेटा लूज किया हमने।